एक्स्ट्रा टाइम। क्या रोहित शर्मा मुंबई की टीम को हैट्रिक ऑफ टाइटल्स तक लीड कर सकते हैं? आइए देखते हैं मुंबई की टीम के फिक्स्चर को। एक बार देख लेते हैं कि मुंबई की टीम में इस वक्त है कौन कौन। सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस की टीम। इस बार मुंबई इंडियंस लगातार तीसरी बार यानी हैट्रिक करने का देखेगी आईपीएल विजेता एक बार फिर से बन गए। रोहित शर्मा पहले ऐसे कप्तान बने जब उन्होंने पांचवी बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई यूएई में लास्ट ईयर। टू टाइम डिफेंडिंग चैंपियंस है, उन्होंने अपने स्क्वाड में कुछ एक्साइटिंग एडिशंस भी किए हैं बिफोर द आईपीएल स्टार्ट्स 2021 में। कुछ वेल नोन प्लेयर्स और कुछ इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स। मुंबई की टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उन्होंने अपने कोर ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स को रिटेन कर लिया है। लास्ट फ्यू सीजन से ये लोग लगातार खेल रहे हैं तो एक अलग सी बॉन्डिंग है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कायरन पोलार्ड, कृणाल पांड्या और सूर्य कुमार यादव इस फ्रेंचाइजी की बैकबोन है। पेस बोलिंग अटैक भी बहुत अच्छी है, ट्रेंट बोल्ट, नेथन कुल्टर-नाइल और जसप्रीत बुमराह। स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है, कृणाल पांड्या, जयंत यादव, राहुल चहर और एक्सपीरियंस पीयूष चावला भी अब इनके स्क्वाड में ऐड कर दिए गए हैं। दो मैच विनिंग ऑलराउंडर्स हैं हार्दिक पांड्या और कायरन पोलार्ड में। सो डिफेंडिंग चैंपियंस के ज्यादातर बेसिस जो है वो कवर्ड है। कोई वीक लिंक अगर मुंबई की टीम में है तो वो ये है कि जसप्रीत बुमराह का कोई क्वालिटी बैकअप नहीं है। अगर बुमराह इंजर्ड हो जाते या उनको रेस्ट दिया जाता है तो फिर यहाँ मुंबई थोड़ी सी वीक लगती है। धवल कुलकर्णी, अर्जुन तेंदुलकर और मोहसिन खान भी हैं टीम में, लेकिन उनमें वो एक्सपीरियंस और वो बात नहीं जो बाकियों में है। दो स्टार फॉरेन ऑलराउंडर्स ऐड किया है मुंबई इंडियंस ने। पहला है हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर न्यूजीलैंड के जेम्स नीशम, जो कि बल्लेबाजी भी तगड़ी करते हैं और आपको 3-4 ओवर मीडियम पेस की देंगे ही देंगे वो। दूसरे हैं बड़े इंटरेस्टिंग 6 फीट 8 इंच के साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर मार्को जेनसन। ये इस बार के आईपीएल के सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। सिर्फ 20 साल के हैं जेनसन और लॉन्ग टर्म एसेट हो सकते हैं मुंबई के लिए। मुंबई के लिए चिंता वाली एरिया सिर्फ एक ही हो सकती है, वो है इंजरीज। उनके अगर टॉप प्लेयर्स इंजर्ड हो गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्रिस लिन ऑलरेडी मुंबई में है, लास्ट सीजन एक भी मैच नहीं खेला। ये देखना पड़ेगा कि इस बार उनको गेम मिलेगा या नहीं, लेकिन उनकी भी बड़ी लंबी इतिहास रही है इंजरीज की। एडम मिलने और नेथन कुल्टर-नाइल भी बड़े इंजरी प्रोन है। जेम्स नीशम भी इंजरी प्रोन है। तो इसलिए थिंक टैंक और सपोर्ट स्टाफ के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब इतने ज्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर्स एक ही टीम में हो। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.